गुड मॉर्निंग माई स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम सतीश गुप्ता. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेम डब्ल्यू एच फैमिली, यानि कि जो हम क्या कर रहे थे पिछली क्लास में, डब्ल्यू एच फैमिली कर रहे थे. ठीक है, चलो. ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली, सॉरी. तो हमने डब्ल्यू एच फैमिली में जो था, हमने वॉट जो है डब्ल्यू एच फैमिली में ख़त्म कर दिया था, यानी कि वॉट को, जो वॉट, वॉट मतलब होता है क्या, उसको हमने टेंस के थ्रू हमने ख़त्म कर दिया था. ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है, दूसरा क्या था हमारा, वॉट के बाद उस लिस्ट में देखना आप डब्ल्यू एच फैमिली की, तो वॉट के नीचे आपका होगा, वॉट के नीचे जो है आपका वाई होगा. आज जो हम करेंगे वाई, ठीक है, लेकिन वाई के नीचे एक और था, वाई के नीचे था आपका वैन. ठीक है, तो ऊपर नीचे है, मैंने यहाँ पर वैन लिख दिया है, तो कोई नहीं, वैन का कर लेते हैं. ठीक है, वाई का जो है हम बाद में कर लेंगे अभी. ठीक है, तो आज जो हम करेंगे व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब या जब की बात करेंगे. ठीक है, तो व्हेन की बात करेंगे. व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब होता है कब या जब, या जब. ठीक है, व्हेन मतलब होता है कब या जब, राइट. तो अब करते हैं इसको व्हेन का मतलब. तो देखो, डब्ल्यू एच फैमिली में दो रूल होते हैं, रूल नंबर वन एंड रूल नंबर टू. जो रूल नंबर वन है आपका, आपको पता लग गया, डब्ल्यू एच फैमिली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड. और रूल नंबर जो टू है उसमें आपका स्टार वाला है, जो आपके सिक्स है ना स्टार वाले, वो हम रूल नंबर टू के साथ करेंगे. तो आज जो हम करेंगे व्हेन को, हम किस में करने जा रहे हैं, टेंस में करने जा रहे हैं. ठीक है, चलो. तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम व्हेन, जो व्हेन है इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाओगे, व्हेन को आप जो है पास्ट इंडेफिनिट में भी करोगे, और फ्यूचर को भी आप पास्ट इंडेफिनिट में करोगे. ठीक है, ऐसे आप कॉन्टिन्यूस में करोगे व्हेन को, कि व्हेन को हम कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे पास्ट के कॉन्टिन्यूस में यूज़ करोगे, ऐसे फ्यूचर के जो कॉन्टिन्यूस है उसमें कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे. ऐसे ही हम सीखेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं व्हेन को, ऐसे पास्ट के परफेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं व्हेन को. ठीक है, राइट. बाकी फ्यूचर परफेक्ट में तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया. ठीक है, राइट. चलो ठीक है जी, करते हैं. कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आप स्कूल कब जाते हो, यानी कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे बनाया है, जाते हो. तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, मैंने बताया ना, जिस स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंस आता है, वो अच्छे से ऐसे सेंटेंस को बना लेंगे. कहने का मतलब है, जो व्हेन है डब्ल्यू एच फैमिली का, वो जो व्हेन को यूज़ करके किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप वहाँ कब जाओगे, आप कब काम करोगे, आप ऐसे कब लगा लगा के वो पूछ सकते हैं. ठीक है, दे कैन आस्क, राइट. तो मैंने इसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बनाया है. तो देखो, आप स्कूल कब जाते हो, ठीक है, जाते होता है ती है, तो बनाओ जरा कैसे होगा. ऐसे आपका पास्ट इंडेफिनिट में इसी को मैंने लिखा, आप स्कूल कब गए, क्यों, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, यानी कि डेली रूटीन में जो काम होता है, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई आपको याद होगा, आपने किया होगा. ठीक है, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट को आपको टेंस पता होगा, उसमें आ, ई या ए आता है, यानी कि कहने का मतलब है कि या, दिया, पिया, ये लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में ये आता है. ठीक है, आप स्कूल कब गए, गए, आया, यहाँ पे. ठीक है, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, अब इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, गा, गी, गे लास्ट में आता है, या जाएगा, जाएगी, जाएंगे. ठीक है, तो देखो, इसमें मैंने किया, आप स्कूल कब जाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आप स्कूल कब गए, मैंने पूछा आप स्कूल कब गए, राइट. और इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में आप स्कूल कब जाओगे, क्यों, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे आता है, राइट. चलो ऐसे बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, आपको पता होगा, खड़ा है, बैठा है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, तो इसी को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मॉडिफाई करके, आप स्कूल कब जा रहे हो, इसमें रहा था, रही थी आ जाएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, है ना. तो देखो, कॉन्टिन्यूस तो तीनों यहाँ पे है, यहाँ पे था, यहाँ पे होगा, हो गया. तो इसको मैंने मॉडिफाई किया, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में आप स्कूल कब जा रहे थे. इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बनाया, यानी कि मॉडिफाई करके इसी सेंटेंस को, आप स्कूल कब जा रहे होंगे, तो मैंने इसमें कर दिया. ऐसे परफेक्ट की बात करें,
परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, किया है, चुका है, चुकी हैं, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया, आप स्कूल कब जा चुके हो, आप स्कूल कब जा चुके हो, और ऐसे ही पास्ट के जो है परफेक्ट में मैंने इसमें था लगा दिया लास्ट में, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आपको टेंस पता है तो कैसे होगा, आप स्कूल कब गए थे। तो कहने का मतलब एक टेंस तो मैंने आपको समझाया है, बताया, और बाकी आपने पढ़ा भी है। तो डब्ल्यू एच फैमिली को हम जो है दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट। तो ये नॉर्मली था जो मैंने अभी आपको समझाया, पहले भी आपको समझाया था, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू एच फैमिली तो आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, आपको मैंने बताया था डू या डज होता है, ठीक है। डू या डज का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, डिड आता है इसमें। फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल आता है इसमें, ठीक है, विल। जिन्होंने किया होगा टेंस वो कर लेंगे बहुत आराम से, इजी तरीके से। और अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है इसमें आता है इज, एम, आर प्लस वी वन के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, राइट। आपको पता है ऐसे हम करेंगे इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें आपका वोज वर आ जाता है, वोज एंड वर प्लस वी वन के साथ आईएनजी लगा देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, सेम ही रहेगा, यहाँ पे वोज वर और आईएनजी लगा देते हैं। ऐसे अब फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में आपका क्या होता है, विल प्लस बी, फिर इसमें भी आपका वी वन के साथ आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट की, इसमें क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आता हैज़ या हैव, इसमें हैज़ या हैव आता है, आपको पता होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐसे हम बात करें इसमें किया था, चुका था, इसमें आपका हैड आता है और प्लस वी थ्री का यूज़ करते हैं। तो देखो अगर हमें टेंस की पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब पता है, देन यू कैन यूज़ डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है। आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ कर सकते हो किसी से क्वेश्चन करने में, ठीक है, राइट। तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। बहुत स्लो मोशन में नहीं, मैं इसको एक एक करके ही आपको समझा देता तो फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके आपको समझा रहा हूँ टेंस में, ठीक है। चलो अब बनाते हैं, आप स्कूल कब जाते हो, बनाओ जी। रूल तो ये है, गिवन है, तो कब जाते हो कैसे करेंगे, व्हेन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, इसकी हमने पहले लिख लिया था ताकि इजी ताकि बनाने में इजी रहे। तो आप स्कूल कब जाते हो, व्हेन, डू या डज, डू आएगा क्योंकि यू के साथ में आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका यू है, तो यू के साथ में हमेशा डू का यूज करते हैं। तो व्हेन डू यू, आप स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, राइट। ऐसे बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, आप स्कूल कब गए तो कैसे करेंगे, व्हेन, व्हेन हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा क्योंकि हमने लिख लिया था यहाँ पे, व्हेन डिड, सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, राइट, ठीक है। यानी कि किसी गो टू, टू क्यों आया, किसी डायरेक्शन में किसी दिशा में जाने के लिए हम टू लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे फ्यूचर इनडेफिनिट की में बात करें तो हमने इसको इस सेंटेंस को क्या लिखा, आप स्कूल कब जाओगे, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट, आप स्कूल कब जाओगे, राइट ना। तो कैसे करेंगे, व्हेन विल यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, विल, सब्जेक्ट यू, जाने को क्या बोलते हैं, गो, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, राइट। तो ऐसे ही नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई क्लियर कोई डाउट्स ना रहे आपको, ठीक है, राइट। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है डब्ल्यू एच फैमिली का, तो धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉन्टिनेंस में करते हैं, मैंने देखो पहचान और हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, जिन जिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंस नहीं आता मैंने ऑलरेडी लिख दिया, लेकिन टेंस कर लेना प्लीज़, विदाउट टेंस यू कॉन्ट डू, ठीक है, ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली, आप डब्ल्यू एच फैमिली यू नहीं कर सकते, ठीक है, गलत क्वेश्चन करोगे आप लोगों से, ठीक है। तो हालांकि मैं एक एक ही बताता आपको सारा, तो मैंने क्या किया, पूरे टेंस को ही मैं बना रहा हूँ,
यानी कि वैन को पूरे टेंस में किया, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वॉट को मैंने पूरे टेंस में बनाया, अब वैन को मैंने पूरे टेंस में बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक एक डब्ल्यू एच फैमिली को हम पूरे टेंस में कर रहे हैं, ठीक है, राइट, ताकि अच्छे से क्लियर रहे। तो देखो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, मैंने इसी सेंटेंस को मॉडिफाई किया, आप स्कूल कब जा रहे हो, तो कैसे करेंगे, वैन, वैन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मैंने लिख दिया इज एम आर, आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यू है, तो वैन आर यू गोइंग, क्योंकि आई एन जी लगा देंगे, वी वन के साथ इसमें आई एन जी लगा देंगे, ठीक है, वैन आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आप स्कूल कब जा रहे हो, राइट। अब ऐसे पास्ट में मैं पूछूं आप स्कूल कब जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैन, वैन वर यू, वैन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, देखो वॉज या वर, तो आप दोनों में से एक लगाओगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है तो वर लगता है, यू के साथ में वर लगेगा, तो वैन हेल्पिंग वर्ब वर सब्जेक्ट यू, अब वी आपका वर्ब आ जाएगा, वी वन के साथ आई एन जी लगा देंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है पास्ट का, वैन वर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, राइट, क्वेश्चन मार्क जरूर है लगाना, ठीक है, ये तो गलत होगा आपका सेंटेंस। फ्यूचर की बात करें, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, आप स्कूल कब जा रहे होंगे, मतलब इमेजिन में, राइट, तो कैसे करेंगे, वैन, वैन विल यू, ठीक है, वैन विल यू, इस यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल है ना, विल प्लस बी है, तो देखो वैन विल यू, ठीक है, बी, अब बी लगा देंगे क्योंकि बी भी है ना यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद बी लगा देना आप यहाँ पे, ठीक है, तो वैन विल यू बी गोइंग टू स्कूल, बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, वैन विल यू बी गोइंग टू स्कूल, एज ए इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया, परफेक्ट में करते जो हमने मॉडिफाई किया था, चलो परफेक्ट बनाते हैं, आप स्कूल कब जा चुके हो, तो क्या होगा, ये रूल याद करना है आपको, ये रूल याद होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, तो सबसे पहले वैन, आप स्कूल कब जा चुके हो, यानी कि परफेक्ट की हेल्पिंग और क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज हैव है और वी थ्री लगेगा यहाँ पे, तो आप स्कूल कब जा चुके हो, तो हेल्पिंग और क्या आएगा, हैज या हैव, हैव आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आगे देख लेना, सब्जेक्ट आपका यू है, यू के साथ में हमेशा हैव का यूज करते हैं, तो वैन हैव यू गॉन, आपका वी थ्री आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि परफेक्ट है, राइट, वी थ्री, तो वैन हैव यू, वैन हैव यू वी थ्री, तो कहने का मतलब है जो टेंस है ना ये डब्ल्यू एच फैमिली में मर्ज हो जाता है, ठीक है, तो आपका वी वन आता है किसी में, किसी में वी वन के साथ आई एन जी लगाते हैं, किसी में वी थ्री लगाते हैं, परफेक्ट में हमने वी थ्री लगाया इसमें, है ना, राइट, तो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए आपको, राइट, तो आप स्कूल कब जा चुके हो, तो कैसे किया, वेन हैव यू गोन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, आप स्कूल कब जा चुके हो या आप स्कूल कब गए हो, जा चुके हो या गए हो एक ही बात है, तो वेन हैव यू गोन टू स्कूल मतलब कब गए हो, ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या है, हेल्पिंग और हैड और वी थ्री है, तो यहाँ पे मैं आप स्कूल कब गए थे आप समझ के कैसे बनाना है, तो वैन इसको रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको, वैन हैड, ठीक हैड सब्जेक्ट क्या, यू, वैन हैड यू गोन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, तो देखो मैं हमने जो है अभी किससे किया, वैन से किया, राइट, ठीक है, तो ऐसे ही मैंने अभी एक सेंटेंस, एक ही एग्जांपल आपको बताया, ऐसे आपको नॉर्मली छोटे से सेंटेंस को सोचने हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप स्कूल कब जाते हो, और कोई सोच लो, आप कब सोते हो, ते हो, ता है, ती है, तो क्या होगा, वैन डू यू स्लीप, है ना, आप कब सो गए, ठीक है, आप कब, या आप कब सोए, ठीक है, तो वैन डिड यू स्लीप, आप कब सोए, है ना, वैन डिड यू स्लीप, आप, और आप कब सोओगे, तो वैन विल यू स्लीप, राइट, ऐसे कॉन्टिन्यूस में करोगे, आप कब सो रहे हो, आप कब सो रहे हो, या आप, ठीक है, तो क्या होगा, वैन जो है, वैन आर यू स्लीपिंग, हालांकि ऐसे कोई पूछता नहीं है,
तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे आप कब सोने जा रहे हो, तो वेन आर यू गोइंग टू स्लीप, ऐसे आप बोल सकते हो बनाने के लिए। पास्ट में भी ऐसे कर सकते हो कि आप कब सोने जा रहे थे, तो वेन वर यू गोइंग टू स्लीप। ऐसे आप फ्यूचर में कर सकते हो, आप कब सोने जा रहे होंगे, वेन विल यू गोइंग टू स्लीप, ठीक है, वेन विल यू बी गोइंग टू स्लीप, राइट। तो फ्यूचर आपका कॉन्टिन्यूस में हो गया। ऐसे पास्ट में अगर इसी को बनाओ, आप कब सो गए थे, ठीक है, आप कब सो गए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेन हैव यू गोन टू स्लीप, ठीक है, गोन वी थ्री तो लगेगा टू, और टू के बाद में हमें हमेशा हम क्या करते हैं, वी वन लगा देते हैं, यानी कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो वेन हैव यू गोन टू स्लीप, ठीक है, आप कब सो गए थे, वेन हैड यू गोन टू स्लीप। तो देखो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ओरल में आपको समझा दिया। तो कहने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को लेना और उसको बनाना है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं आया, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। चलो तो अभी जो है हमने किससे किया, वेन से कंप्लीट कर दिया डब्ल्यू एच फैमिली को, राइट। फोटो ले लो इसकी जल्दी से फटाफट से। ठीक है, हो गया। चलो तो हमने जो है आज किया वेन से, ठीक है, राइट। तो वेन का किया हमने कंप्लीट, चलो गुड। मैं मिटा देता हूं इसको। ऐसे आपको छोटे छोटे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो हालांकि ऐसे पूरे टेंस में कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजी रहे बनाना, कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। इजी तरीका है, जिनको टेंस आता है वो बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, राइट, और जिनको नहीं आता उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्लीज़ टेंस आप कर लो, राइट। अगर टेंस नहीं करोगे अच्छे से तो फिर प्रॉब्लम रहेगी आपको डब्ल्यू एच फैमिली में, राइट। चलो हाँ, तो हम वे वाई करने वाले थे, तो हमने उससे थर्ड वाला कर दिया, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अब हम वाई कर लेते हैं। वाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। चलो तो ये जो है डब्ल्यू एच फैमिली जो रूल है नंबर वन है ना, तो इसमें तो यही रूल अप्लाई होगा इसमें, राइट। तो देखो वाई का मतलब क्यों, चलो तो यहां पे क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगता है अकॉर्डिंग टू टेंस। अब मैं ऐसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, अब थोड़ा सा मैं एक दो दो एग्जाम्पल बनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा कि पूरे टेंस में दोबारा से आपको समझाऊं, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। जिनको नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, राइट। तो कहने का मतलब है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में, तो देर आर टू रूल्स ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि दो रूल होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में, रूल नंबर वन एंड रूल नंबर टू। तो रूल नंबर वन जो है आपका पूरी डब्ल्यू एच फैमिली में अप्लाई होता है, ठीक है, एक्सेप्ट स्टार वाले में। रूल नंबर टू, जो स्टार हैं आपके सिक्स डब्ल्यू एच फैमिली है उन्हीं में स्टार हैं, तो उसमें रूल नंबर वन अप्लाई नहीं होगा, तो उसका रूल नंबर टू होता है, ठीक है। तो वो सिक्स जो है आपके डब्ल्यू एच फैमिली जिनमें स्टार बने हुए हैं उन्हीं में ही अप्लाई होगा रूल नंबर टू, ठीक है। उसको छोड़ के जो भी डब्ल्यू एच फैमिली बचे सब में कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर वन। तो ध्यान रखना है सारी चीजें कि डब्ल्यू एच फैमिली में दो ही रूल होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं वाई को करेंगे रूल नंबर वन से, ठीक है। तो जो अभी हमने डीपली थोड़ा सा हमने सीखा कैसे बनाते हैं सेंटेंस, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अब आपको बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा अब वैसे नहीं समझाऊंगा, फिर से मैं दोबारा उसमें डीपली करके आपको समझाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्योंकि आपके माइंड में ये तो ज़रूर पता लग गया ना कि हाँ मुझे टेंस अच्छे से करना है, तभी आप डब्ल्यू एच फैमिली को कर सकते हो। टेंस कैसे करना है, उसकी पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, रोल नहीं कॉन्सेप्ट पे चलना, ठीक है, रोल तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है कैसे किया जाता है उसे करना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली, राइट,
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब क्या है, वर्ब भी कौन सा लगेगा, अकॉर्डिंग, ठीक है, टू टेंस। यानी कि वर्ब भी जो है आपका अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा, ठीक है, कौन सा वो टेंस है, राइट। और फिर उसके बाद जो है आपका अदर वर्ड, राइट, क्लियर। तो कहने का मतलब है डब्ल्यू एच फैमिली आपने यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया, जो भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब भी अकॉर्डिंग टू टेंस आपने लगाया उसमें, ठीक है। चलो देखो, जब भी हम डब्ल्यू एच फैमिली बनाते हैं तो ये तो पता हो गया आपको अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंस मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू टेंस मतलब क्या, वर्ब को कैसे हम वर्ब को कैसे समझेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस में, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनसे पहले, यानि कि हमें टेंस पहचानना होगा कि वो टेंस कौन सा है, यानि कि टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, टेंस को क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि पहचान उसकी करनी पड़ेगी कि वो जो टेंस है वो कौन सा है, ठीक है, कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या वो प्रेजेंट, क्या वो पास्ट इंडेफिनिट है या वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डीपली, राइट, या वो प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूस है या वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है या वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, या वो फिर आपका पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है या आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो वो टेंस की जो पहचान है उसके बेस पे ही तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको वेन का जो मैंने आपको समझाया था, कैसे कैसे मैंने पहचान लिखा, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखा, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको, ठीक है, राइट। तो आपको क्या करना है, डब्ल्यू एच फैमिली तो लगाओगे, जो भी होगा डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे अकॉर्डिंग टू टेंस, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तभी लगा पाओगे जब आपको पहचान पता होगी, यानी कि सबसे पहले, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेंस जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, पहले तो उसकी जो है फर्स्ट आपको पहचान पता होनी चाहिए, जो टेंस की जो है उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि वो प्रेजेंट आपका कौन सा है, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, या कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है, ठीक है, राइट, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है, राइट। चलो तो क्लियर हुआ आपको, आ रहा है समझ में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन में चीज़ें मतलब आ जाए, ठीक है, राइट, नहीं मैं जल्दी से पढ़ा के और मतलब हट जाऊँ यहाँ से, राइट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर से आपको क्या करना है, पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करोगे, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ तो करोगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करोगे, राइट, तो हेल्पिंग वर्ब को पता करने से पहले आपको टेंस की पहचान पता करनी पड़ेगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है उसकी पहचान क्या होती है, ऐसे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है उसकी पहचान क्या होती है, ऐसे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसकी पहचान क्या होती है, पहचान ऐसे आपका पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसकी पहचान क्या होती है, ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसकी पहचान क्या होती है, ऐसे ही आपका प्रेजेंट का परफेक्ट जो है उसकी पहचान क्या होती है, और ऐसे ही आपका पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है। जब आपको इनकी कैटेगरी है इनकी पहचान आपको पता लग जाएंगी ना, तो उन पहचान के अकॉर्डिंग जो पहचान है उसी की हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर सकते हो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी आपको पहचान पता है, ठीक है, तो उसमें डूडज लगा दिया आपने, डूडज होता है। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है आपको पता है कौन सी है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, ठीक है, उसमें आपका डिड यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। ऐसे आपका फ्यूचर जो इंडेफिनिट है उसकी पहचान आपको पता है, तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, विल यूज़ होता है। ऐसे ही आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको पता है, तो
पहचान पता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता होगी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, ठीक है। और वी वन के साथ आई एन जी लगाते हैं। ऐसे ही आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसकी आपको पहचान पता होगा, तो आप उसमें जो पहचान है आपको पता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब तो फिर आपको पता लग जाएगी, वोज वर्ब होती है और वी वन के साथ आई एन जी लगाते हैं। ऐसे ही आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी आपको मिल जाएगा, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो है उसकी पहचान क्या होती है। जब आपको पहचान पता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी आप समझ जाओगे, ठीक है। यू कैन गेट व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ देयर। तो यानी कि फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस है उसकी आपको पहचान पता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी आपको समझ में आ जाएगा कि विल प्लस बी और वी वन के साथ आई एन जी लगाते हैं। ऐसे ही हम बात करें आपका जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी पहचान आपको पता है तो सिंपल सी बात है आप वहाँ पे भी जो है हेल्पिंग वर्ब पहचान सकते हो कौन सी लगानी है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज़ हैव और वी थ्री लगाना है। ऐसे ही आपका पास्ट परफेक्ट है अगर उसकी पहचान आपको पता है तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली सी बात है आपको पता लग जाएगा वहाँ पे सॉरी वहाँ पे हैड प्लस वी थ्री का यूज़ करते हैं, बस यही है। बाकी फ्यूचर परफेक्ट तो यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सेंस नहीं बनता, ऐसे जो लास्ट वाला है उनमें भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो नॉर्मली जो मैंने अभी ओरल में बताया यही ज़्यादातर जो है ओरल में यूज़ किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है आपको पहचान पता होना चाहिए टेंस की, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहचान के बेस पे ही आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हो, देन सब्जेक्ट और वी थ्री भी उसी पहचान जो आपका वर्ब है, ठीक है। अगर परफेक्ट है यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहाँ पे वी थ्री कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इसमें ध्यान रखना वी सेकेंड तो यूज़ होता ही नहीं है, यानी कि इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस या तो वी वन यूज़ करेंगे या आपका वी थ्री आएगा, ठीक है, या वी वन के साथ आपका आई एन जी लगा देंगे। तो यही होता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। जैसे आपने सीखा टेंस अच्छे से आ जाएगा तो आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ टेंस की, ठीक है। अभी मैं टेंस के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ, एक मॉडल्स होता है तो मॉडल्स की भी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो अलग होती है। तो मैंने आपको मॉडल्स अभी समझाया नहीं है, राइट, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट, टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहचान पहले करना है फिर हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, अब वर्ब कौन सी लगेगी जब आपने पहचान कर लिया तो उसमें जो है आपका जो वर्ब है आप समझ जाओगे कौन सा लगाते हैं वो टेंस में, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो मैंने इतना लंबा जो बोला है जानबूझ के बोला है ताकि आप कैसे करो, कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, राइट। अब तो भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब मैंने इतना बोल दिया है तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक सेंटेंस बना के अलग कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इतना लंबा नहीं बनाऊँगा, ठीक है, राइट। तो हम जो करने जा रहे हैं वाई का करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आप वहाँ, ठीक है, अब मैं वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है, कोई भी टेंस हो सकता है, आप देख लेना। आप वहां क्यों गए, आप वहां क्यों गए, ठीक है, मैंने लिखा आप वहां क्यों गए। अब इसको ट्रांसलेट करो, यानी कि सारा कुछ है हमारे पास, आप वहां क्यों गए, तो मैंने पहले आपको देखना है आप वहां क्यों गए, पहचान करनी है पहले इस सेंटेंस की, पहचान करनी है, यानी कि पहले पहचान करना है आपको, यानी कि आइडेंटिफाई आपको करना है, आइडेंटी, ठीक है, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई पहले आपको करना है, यानी कि पहले ये जो सेंटेंस लिखा आप वहाँ क्यों गए, पहचान करो ये कौन सा टेंस है, यानी कि कौन सा टेंस है आपको समझ में आया, पास्ट इनडेफिनेट। तो आपने इसको पहचान कर लिया ये कौन सा टेंस है, पास्ट इनडेफिनेट, ठीक है। क्यों, पास्ट इंडेफिनेट में आपका गए, आ ई या ए या किया दिया पिया यही आता है, तो हमने पास्ट इंडेफिनेट हमने पहचान भी कर ली। दूसरी बात, जब हमने पहचान कर ली, ठीक है, जब हमने पहचान कर ली जो ये सेंटेंस गिवन है, तो सिंपल सी बात है तो हेल्पिंग वर्ब भी पता लग जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें डिड आता है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, ठीक है। और जब भी डिड लगता है तो वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है,
ठीक है, नेगेटिव में जब हम बनाते हैं डिड लगा के तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। अब क्लियर हो गया सारा, अब बनाते हैं। ठीक है, आप वहां क्यों गए, आप वहां क्यों गए, चलो बनाते हैं। सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच फैमिली लगाया, क्या है वाई, वाई हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे डिड, सब्जेक्ट क्या है यू, जाने को क्या बोलते हैं गो, क्योंकि डिड के साथ में वी वन लगाते हैं, है ना। वाई डिड यू गो, वहां के लिए क्या यूज किया देयर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, आप वहां क्यों गए, ठीक है, वाई डिड यू गो देयर, राइट, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसे जल्दी से उतार लो, फिर करते हैं जल्दी से फटाफट से। ठीक है, चलो जैसे हमने ये किया, अब और ले लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब हम मिक्स कर रहे हैं थोड़ा, यानी कि अब वाई को ना हम टेंस, कौन सा टेंस है आपको खुद ही पता करना है, मिक्स कर रहे हैं होच पोच। ठीक है, दूसरा करते हैं, जैसे कि उसने, उसने काम क्यों किया था, उसने काम क्यों किया था, यानी कि उसने काम क्यों किया था, पहले टेंस को आइडेंटिफाई करो, यानी कि इसकी पहचान निकालो, कौन है ये, कौन सा, ये कौन सा जो है सेंटेंस है टेंस का, ठीक है, इसकी पहचान करो कि ये जो टेंस का कौन सा पार्ट है। उसने काम क्यों किया था, यानी कि किया था, किया था, दिया था, पिया था, पास्ट परफेक्ट है तो कौन सा है, हमने पहचान देख लिया, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वहां पे आता है हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और हैड तो आएगा और उसमें वर्ब कौन सा आता है, उसमें वी थ्री आता है, आपको पता है, तो वी थ्री लिख दिया। अब बनाते हैं, ऐसे ऐसे कर लेना, लिख लेना कोई सा भी सेंटेंस बनाना और ऐसे लिख लेना, पहले उसकी पहचान देख लेना कौन सा टेंस है, फिर उसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देख लेना। ठीक है, चलो, उसने काम क्यों किया, उसने को क्या पहले, क्यों, डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, क्यों, तो वाई, वाई लगाया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हैड, उसने को क्या बोलते हैं, वाई हैड ही। अब उसने यानी कि गर्ल है या बॉय है, ठीक है, जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा, कौन है उसने, तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ही या शी कुछ भी लगा सकते हो। उसने को क्या बोलते हैं हिंदी में, ही या शी, जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा तो हम ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं ही लगा देता हूँ। वाई डिड ही, उसने काम क्यों किया था, वाई हैड ही वर्कड, ठीक है, वाई हैड ही वर्कड, उसने काम क्यों किया था, वाई हैड, वाई हैड, ठीक है, ही सब्जेक्ट, वी थ्री क्या है, वर्कड, अदर वर्ड में तो कुछ आपका बचा ही नहीं, ठीक है, उसने काम क्यों किया था, हो गया, वाई हैड ही वर्कड, सिंपल सी बात है। चलो ऐसे थ्री ले लेते हैं और बनाते हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ऐसे और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि नंबर थर्ड, कुछ भी सोचो, जैसे मैंने, या आपसे स्टार्ट करता हूँ, आपने, आपने, आपने उसे क्यों बुलाया, ठीक है, आपने उसे क्यों बुलाया है, मैंने है लिख दिया यहाँ पे, आपने उसे क्यों बुलाया है। अब इसको कैसे, सेम, पहले इसको पहचान करो कौन सा है ये, पहचान करो इसकी टेंस, ये टेंस का कौन सा पार्ट है ना, पहचान करना है, तो बुलाया है, या है, किया है, दिया है, पिया है, यानी कि आपका कौन सा होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने कर लिया, ये कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जरूरी है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसकी, हैड, हैज या हैव का यूज करते हैं, प्लस आपका वी थ्री आ जाता है, हैज या हैव का यूज करते हैं, प्लस वी थ्री आ जाता है। ठीक है, चलो बनाते हैं अब, आपने उसे क्यों बुलाया, तो क्यों, यानी कि पहले, सबसे पहले क्या लगाना है, डब्ल्यू एच फैमिली, तो वाई, डब्ल्यू एच पता है ना आपको, जो डब्ल्यू एच, एच से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वाई, हेल्पिंग और क्या है, हैज और हैव, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपने, तो आपने के साथ में क्या आता है, हैव आएगा ना, यानी कि यू,
ठीक है, वाई हैव यू बुलाया है उसे, वाई हैव यू, यू कौन सा वर्ब आएगा यहां पे, वी थ्री कॉल्ड है ना, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, ठीक है, वाई हैव यू कॉल्ड उसे को क्या बोलते हैं, हिम, ठीक है, वाई हैव यू कॉल्ड हिम, राइट, आपने उसे क्यों बुलाया है, राइट देखा, मतलब कितना इजी तरीके से हम कर रहे हैं इसको, राइट क्लियर, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जब मैंने आपको डब्ल्यू एच फैमिली बताया था, जैसे कि सबसे पहले मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको कौन सा करवाया था, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने आपको वैन बताया था अभी, तो पहले तो मैंने थोड़ा डीपली बताया टेंस में घुस के अंदर, अब मैं टेंस को क्या कर रहा हूँ, मिक्स करके बना रहा हूँ, यानी कि जो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस टेंस, यानी कि दोनों को मिक्स करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अब आपको ऐसे पता करना है कि कौन सा है वो टेंस, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है टेंस आपको अच्छे से आना होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश का बेस होता है, राइट, ठीक है, चलो राइट, तो ये भी आ गया आपको समझ में, क्लियर, ठीक है, इसे कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो गुड, तो ऐसे ही आपको ना प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ऐसे ही आपको सेंटेंस सोचना है और ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, जैसे कि आपने यह काम क्यों किया था, आपने यह काम क्यों किया था, मैंने देखो ऐसे ही बता दिया, तो आपने ये काम क्यों किया था, ये सेंटेंस सोचो कौन सा है, पहचान करो इसकी कौन सी, तो ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट है, किया था है ना, तो किया था, आपने यह काम क्यों किया था, पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में अब पहचान कर ली, अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होता है, और वहाँ पे वी थ्री का यूज़ करते हैं, तो बनाओ आपने यह काम क्यों किया था, ठीक है, वाई, सब डब्ल्यू एच फैमिली वाई, हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वाई हैड यू, ठीक है, डन दिस वर्क, वाई हैड यू डन दिस वर्क, आपने यानी कि आपने यह काम क्यों किया था, वाई हैड यू डन दिस वर्क, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने आपको ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, रिटर्न तो कर रहे हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, क्योंकि बोलने से क्या होता है, आपके ब्रेन में जो इंग्लिश वर्ड्स हैं और ये जो हम रूल वगैरह सीखते हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके माइंड में छप जाते हैं, कहने का मतलब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट, जस्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस टेंस, राइट, तो दोनों को आपको मिक्स करके ऐसे ऐसे बोलना, जितना मैंने सिखाया, मैंने आपको सिखाया उस सबसे पहले व्हेन आज, उसके बाद मैंने आपको सिखाया वाई, वाई को मैंने क्या किया, ऐसे प्रॉपर नहीं बताया मैंने, थोड़ा सा जो टेंस है ना उसको मैंने मिक्स किया है, वो कौन सा है आपको पहचानना है, फिर उसको बनाना है, ऐसे ही आप अपने मन में सोचना कि कौन सा, पहचान करना, ठीक है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब देखना, फिर उसको बनाना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम या शाम को मिलेंगे, ठीक है, चलो गुड, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस करो, दो सेंटेंस आप खुद और सोच के बना लेना अपने आप, ठीक है, और बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूँ या दूसरी वीडियो बना दूँगा, ठीक है, राइट, चलो ओके, बाय बाय।